ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो आज सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं भाई, इतनी बड़ी उपाधि इनको दे दी फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ऐसा कौन सा तीर मार दिया इन्होंने? देखो भाई क्या तीर मारा इन्होंने। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ, ठीक है, ये तो रही इनकी डेट ऑफ बर्थ। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने कौन से गांव में हुआ, कौन से घर में हुआ, घर का नंबर बताओ, पिन कोड नंबर बताओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक गरीब किसान के घर में हुआ था, पढ़ने लिखने के शौकीन थे बचपन से, बीमार रहते थे, पिताजी की भी बड़ी इच्छा थी कि इनको पढ़ा के लिखा के बड़ा आदमी बनाएं। जैसे तैसे स्कूल एजुकेशन उनकी पूरी हुई, जिसकी ग्रेगर जॉन मेंडल की। एक बात और याद रखना, बचपन में इनका नाम सिर्फ जॉन मेंडल था, ग्रेगर शब्द तो बाद में जोड़ा, कैसे जोड़ा वो बताऊंगा अभी। तो स्कूल एजुकेशन पूरी की, बचपन से ही इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इनकी इच्छाएं बहुत थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर ना तो इनके पास था, ना इनके पिताजी के पास था, और ना ही उस वक्त के वैज्ञानिकों के पास था। किताबों में भी वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे कि भाई उनके आंसर मिलेंगे कहाँ। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सिर्फ इनके ही दिमाग में थे, उस वक्त के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में भी वही क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कई सारी रिसर्च, कई सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पर किए गए, लेकिन किसी को सक्सेस नहीं मिली। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन ये थे कि प्लांट्स में वेरिएशन क्यों है? एक ही प्लांट है, अगर गेहूं की बात करें तो वही गेहूं की फसल एक ही है, तो उन प्लांट्स में वेरिएशन क्यों है? क्यों एक प्लांट छोटा है, क्यों एक प्लांट बड़ा है? भाई अगर एक टॉल प्लांट है, उसके सीड को हम अगले जनरेशन में ले गए, तो सभी प्लांट टॉल क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ केसेस में सभी प्लांट टॉल भी आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कुछ प्लांट ड्वार्फ भी आते हैं। किसी प्लांट के अंदर फूलों का कलर अलग है, तो किसी दूसरे प्लांट में फूलों का कलर अलग है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उनके दिमाग में थे, और भी दूसरे वैज्ञानिक थे जो उन क्वेश्चंस पर काम कर रहे थे, उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे, क्या करना चाहिए भाई, ये कैसे मिलेंगे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल स्कूल एजुकेशन उन्होंने पूरी कर ली, स्कूल एजुकेशन जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद इन्होंने नौकरी की तलाश कर दी, क्योंकि गरीब घर से थे, नौकरी चाहिए थी। नौकरी ढूंढते ढूंढते ये एक चर्च जा पहुँचे, और वहाँ चर्च में इनको नौकरी मिल गई। चर्च में इन्होंने खूब जी जान से काम किया, बहुत मेहनत की, और वहाँ चर्च में इनको पादरी बना दिया। चर्च कमेटी ने इनकी मेहनत को देखकर उस चर्च का पादरी बना दिया, और वहीं पर ग्रेगर की उपाधि इनको दी गई, और वहीं चर्च में इनका नाम पड़ गया ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है भाई, पढ़ने लिखने का शौकीन था, चर्च में भी पढ़ते रहते थे, साइंस में रुचि थी इनकी, तो चर्च कमेटी ने अपने खर्चे पर इनको, किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को हायर एजुकेशन करने के लिए अनुमति दी, चर्च के खर्चे पर। तो इन्होंने 1851 से लेकर 1853 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन में इन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, वो भी साइंस में, तो और ज़्यादा रुचि बढ़ गई भाई। अब इनकी साइंस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि थी, जो क्वेश्चंस बचपन से थे उनको जानने के लिए, तो मतलब अब ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए, अलग अलग रिसर्च को देखने लगे। उस वक्त के जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे उनके ऊपर इनकी बड़ी पैनी नज़र थी कि वो रिसर्च जो हो रही है उसमें क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों वो रिसर्च सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ पर ये नज़र रखते थे। ठीक है, जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, इन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई? 1853 में, और 1853 में इन्होंने एक सोसाइटी को ज्वाइन किया। सोसाइटी का नाम था जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी, जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ विनिया, ठीक है, विनिया एक जगह का नाम है, तो विनिया में इन्होंने जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। ये सोसाइटी क्या होती है? देखो, उस वक्त सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पर सभी वैज्ञानिक आकर अपनी रिसर्च को शेयर करते थे, एक तरह सा पब्लिकेशन वाला काम था इनका। जब भी कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता था, कोई डिस्कवरी करता था, तो वो ऐसी ही सोसाइटी में जाता था, वहाँ पर सभी वैज्ञानिक इकट्ठे होते थे, मीटिंग होती थी, सेमिनार कॉन्फ्रेंस जिनको आज की भाषा में हम नाम देते हैं, ये सब चीज़ें होती थी, और वहाँ पर जैसे ही एक्सेप्ट होता था कि हाँ भाई इनकी रिसर्च ठीक है, तो ये जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी अपने पब्लिकेशन में उनको पब्लिश कर देते थे, और उस पर एक ठप्पा लगा देते कि हाँ भाई इनकी रिसर्च वैलिड है,
और वो रिसर्च आगे लोगों तक पहुंच जाती थी। ठीक है, तो ऐसी जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया 1953 में किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल में। यहाँ पर तो वैज्ञानिकों के बीच में रहने लगे तो और ज़्यादा उत्सुकता आ गई। ठीक, यहीं पर इनको मटर के ऊपर काम करने का मौका मिला। किसके ऊपर? मटर के ऊपर क्या काम करने का मौका मिला? मटर के अंदर डैमेज हो रहा था पी बीविल्स से, नाम सुना होगा आपने, मटर में लगने वाला एक कीड़ा है ये पी बीविल्स, जो इस मटर के पौधे को नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसी पी बीविल के ऊपर स्टडी करनी थी ग्रेगर जॉन मेंडल को, और इसी दौरान ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के ऊपर कुछ ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट किए, वे टोटल कैरेक्टर थे 7। अब ये 7 कैरेक्टर कौन से थे बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें मटर के अंदर, मटर के पौधे में नज़र आईं जो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छी थी। किनके एक्सपेरिमेंट के लिए? जो आगे चल के ग्रेगर जॉन मेंडल करने वाले हैं, क्योंकि दिमाग में तो इनके भी था, क्योंकि ये दूसरों की रिसर्च को देख रहे थे, इनके दिमाग में भी था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं खुद रिसर्च करूँगा, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हो उनका आंसर मैं खुद ढूंढूंगा। ठीक है, तो रिसर्च करने की शुरुआत उनकी यहीं से हुई। उन्हें सबसे पहले मटर का पौधा दिखा, उस मटर के पौधे में उन्होंने 7 कैरेक्टर ऑब्टेंड किए, 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया कि इन 7 कैरेक्टर के ऊपर मैं स्टडी करूंगा। और मटर के पौधे में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सही थे। अब वो मटर के पौधे को उन्होंने एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्यों बनाया, इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कहानी सुनो। मटर का पौधा उनके दिमाग में आ गया, अब क्या हुआ भाई, यहाँ से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। ठीक, तो इन्होंने अपना जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था जो 7 सालों तक चला था, वो एक्सपेरिमेंट 1857 से स्टार्ट किया। 1857 से, ये भाई कौन सा ईयर है? क्रांति वाला दिन 1857, झांसी की रानी। ठीक है भाई, 1857 से लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 7 सालों तक, 1864 तक। ठीक है, कई किताबों में आपको ये 1856 से लेकर 1863 भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों है। अगर आप हायर वाली किताबों में जाओगे, कॉलेज लेवल की किताबों में जाओगे, तो वहाँ आपको ज़्यादातर मिलेगा 1857 से 1864 तक। ठीक है, तो इतना वैलिड नहीं करना, इस पर दिमाग नहीं देना। 7 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या किया था भाई, अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत उन्होंने पहले तो कलेक्शन किया इन वैरायटियों का। मटर की उन्होंने टोटल 32 वैरायटी कलेक्ट की। कितनी? 32 वैरायटी मटर की कलेक्ट की अलग अलग देशों से, 32 वैरायटी लेकर आए। और इन 32 वैरायटी में उन्होंने सबसे पहले किया प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट। क्यों किया प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट? क्या होता है ये? जो 32 वैरायटी लेकर आए थे मटर की, और उनको स्टडी करने थे कितने? 7 कैरेक्टर। अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने 7 कैरेक्टर पर स्टडी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जिन 7 कैरेक्टर पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, वे 7 कैरेक्टर होमोजाइगस जीन से ही कंट्रोल हों। किससे कंट्रोल हों? होमोजाइगस जीन। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, कोई प्लांट अगर टॉल है तो उसके लिए कैपिटल टी हो सकता है, उसके लिए कैपिटल टी भी तो हो सकता है। कैपिटल टी ये भी टॉल पौधा बनाएगा, और कैपिटल टी ये भी टॉल पौधा बनाएगा। लेकिन मेंडल को क्या चाहिए था? सिर्फ कैपिटल टी। यही होते हैं क्या आपके? होमोजाइगस, जिसमें दोनों एलील एक जैसे हो। ठीक हो, ये कैसा है आपका? हेटरोजाइगस। तो मेंडल चाहते थे कि जो 7 कैरेक्टर मुझे स्टडी करने हैं और जो वैरायटीज मैं लेकर आया हूं, उन वैरायटीज के अंदर वो 7 कैरेक्टर होमोजाइगस जीन से कंट्रोल हों। इसके लिए उन्होंने प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट किया, और इस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में उनको 22 वैरायटी मिल गई। कैसी? होमोजाइगस। ये 22 वैरायटी ऐसी थी जिनके अंदर वे 7 कैरेक्टर होमोजाइगस जीन से कंट्रोल हो रहे थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ही इनको 3 साल का समय लग गया। 3 साल का समय प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में लग गया। तो 32 से उनको 22 वैरायटी मिली, फिर 22 वैरायटी के ऊपर उन्होंने अपना आगे का एक्सपेरिमेंट पूरा किया। 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला, और फाइनली ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। उनको उनके इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली। क्या सक्सेस मिली, क्या रिजल्ट मिला, वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कहानी सुनो। ठीक है, क्योंकि अभी सब मिक्सअप कर दिया तो सारा हलवा बन जाएगा इसका। ठीक है, तो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ बढ़िया रहा, सारी चीज़ें इनको, जितने भी दिमाग में इनके क्वेश्चंस थे उन सबके आंसर इनको मिल गए। इनको भी लगा कि भाई रिसर्च तो मैंने बहुत बड़ी कर दी, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी मैंने, एक इतिहास मैंने बना दिया। क्या किया फिर इन्होंने?
1865 में, भाई 1864 में इनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, 1865 में ही इन्होंने अपनी लोकल लेवल पर एक मीटिंग लगाई भाई, क्योंकि ये जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में तो थी, वहीं पर उन्होंने वैज्ञानिकों की एक लोकल मीटिंग ली, उन साइंटिस्टों को अपनी रिसर्च के बारे में बताया। साइंटिस्टों का जवाब था कि भाई कहना क्या चाहते हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को, सिर्फ वे मन की तालियां बजाई जा रही थी इनके लिए। मेंडल भी समझ गए थे कि किसी को मेरी रिसर्च समझ नहीं आ रही है, बस सब लोग ऊपर ही मन से कर रहे थे कि बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी रिसर्च है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वाकई में बहुत ब्रिलियंट रिसर्च की है। वो क्वेश्चंस उन्होंने, उनके आंसर्स उन्होंने ढूंढ निकाले हैं जिसका आंसर किसी को नहीं मालूम था। ठीक, तो 1865 में बताया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैंने जो रिसर्च की है इसको एक पब्लिश तो कराया जाए भाई, इतनी 7 साल की मेहनत है, ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे। तो इन्होंने उस रिसर्च को एक पेपर पर लिखा, जिसे आज के टाइम पे हम रिसर्च पेपर बोलते हैं। रिसर्च पेपर जब हम छपवाते हैं तो वो क्या है, हमारी रिसर्च है, उसको हम एक पेपर पर छपवा कर उसे पब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर रिसर्च पेपर तो नहीं बोलते थे, ठीक, उस टाइम पर सिर्फ पेपर बोलते थे उनका आर्टिकल। तो जो पेपर उन्होंने छपवाया, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उस पेपर का टाइटल क्या था। उस पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस पेपर में उनकी पूरी 7 साल की रिजल्ट जो थे, जो पूरी रिसर्च थी, उस पेपर में उन्होंने छपवा दी। ये ध्यान रखना कि उनका जो पेपर था ना वो जर्मन लैंग्वेज में था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पहले वो जर्मन लैंग्वेज में था। तो जर्मन लैंग्वेज में था तब उसका नाम क्या था, जर्मन भाषा में उसका नाम था, बड़ा अजीब सा नाम है, बर्शु उबर फ्लेंजन हाइब्रिडन, वर्शु उबर फ्लेंजन हाइब्रिडन, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्शु उबर फ्लेंजन हाइब्रिडन, ये जर्मन भाषा में ओरिजिनल पेपर का नाम था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, इसी पेपर में सब कुछ था। ठीक है, और इस पेपर को उन्होंने फिर पब्लिश किया, सॉरी इस पेपर को उन्होंने प्रेजेंट किया, पब्लिश करना इनके हाथ में थोड़ी ना, उन्होंने इस पेपर को बनाकर इस पेपर को प्रेजेंट किया, कहां पर, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ठीक है, यहां पर उन्होंने दो मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई थी 8 फरवरी को और एक मीटिंग हुई थी 8 मार्च को, फरवरी 8 एंड मार्च 1865। ठीक है, यहां पर भी वही रेस्पॉन्स था, वैज्ञानिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबका एक ही बात था, भाई कहना क्या चाहते हो तुम, कुछ भी समझ में नहीं आया लोगों को, बस बेमन तालियां बजाई गई, बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी रिसर्च है, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आया। बहुत अच्छी रिसर्च है तो क्रेडिट दो उनको भाई, लोगों ने सुना, तालियां बजाई और चलते बने। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने उनकी इस रिसर्च को अपनी प्रोसीडिंग के 4th वॉल्यूम में पब्लिश कर दिया, कब, 1866 को। मतलब मेंडल का जो रिसर्च था वो फाइनली कब पब्लिश हुआ, 1866 में, 1866 में। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स की नींव यहाँ पर रख दी गई थी 1866 में। मेंडल की रिसर्च को लेकिन किसी ने सराहा ही नहीं, किसी ने उनको क्रेडिट ही नहीं दिया। फिर क्या हुआ भाई, उस वक्त एक वैज्ञानिक थे, इनके कलीग्स थे, इनके ही समकालीन थे, हम उम्र मान के चलो, नाम था चार्ल्स डार्विन, नाम तो आप लोगों ने इनका जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। उस वक्त के ऐसे फेमस वैज्ञानिक थे ये, आज भी इनकी थ्योरी काम करती है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। ये इस वक्त के इतने फेमस वैज्ञानिक थे कि अगर ये कुछ कह देना कि नहीं ऐसा होता है तो लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे कि हाँ डार्विन ने कहा है तो सही कहा होगा। डार्विन, अब देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं इनके बारे में बुराई कर रहा हूँ, लेकिन लिटरेचर में, किताबों में ऐसा दिया है कि डार्विन कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि मेंडल ने जो रिसर्च की है वो वाकई ब्रिलियंट रिसर्च है, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च है और ऐसी रिसर्च इससे पहले ना किसी ने की है, मतलब इसके लिए क्रेडिट तो मिलना चाहिए। लेकिन एक कॉम्पिटिटर की भावना होती है ना कि भाई मैं इस वक्त फेमस चल रहा हूँ, अगर मेंडल ने जो रिसर्च की है वो अगर लोगों तक पता चल जाए तो मेंडल मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा, जो कि डार्विन नहीं चाहते थे। तो डार्विन ने क्या किया, इस मेंडल को सजेस्ट किया कि आपने जो रिसर्च इस मटर के ऊपर की है ना, सेम यही रिसर्च आप हनी बी पे करके दिखाओ, सेम यही रिसर्च आप
हॉक वीट पर करके दिखाओ, एक खरपतवार होता है हेरेशियम स्पीसीज, हॉक वीट पर करके दिखाओ। अगर आपकी जो रिसर्च है इस रिसर्च में चलो कुछ दम है तो आप सेम यही रिसर्च हनी बी और हॉक वीट पर करके दिखाओ। हनी बी पर किया रिसर्च किसने, मेंडल ने, फेल हो गए, सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हनी बी के अंदर पाई जाती है पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर मेल डेवलप हो जाते हैं डायरेक्ट बिना किसी फर्टिलाइजेशन, बिना किसी रिप्रोडक्शन के। हॉक वीट के अंदर इन्होंने किया, ठीक है, यहाँ पर भी ये फेल हो गए। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो सेम रिजल्ट यहाँ आया था वो हॉक वीट पर नहीं आया। क्यों फेल हो गए? क्योंकि हॉक वीट के अंदर पाई जाती है एपोमिक्सिस, ठीक है। मेंडल को खुद को नहीं मालूम था कि मैंने जो रिजल्ट किए हैं वो सारा की सारा रिजल्ट, सारी की सारी एक्सपेरिमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ही लागू होगी। मेंडल की जो भी डिस्कवरी है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही लागू होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लागू नहीं होती। एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर मेंडल की रिसर्च के रिजल्ट आएंगे, जहां पर नहीं होगा वहां पर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो डार्विन को कहीं ना कहीं पता था कि हनी बी और हॉक वीड में ये सक्सेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका जो पूरा की पूरा रिसर्च है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर है और हनी बी और हॉक वीड के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेंडल को इन दोनों पर असफलता मिली, फेल हो गए। इस बात से मेंडल को ऐसा लगा कि शायद मेरी रिसर्च गलत थी, एक तुक्का लग गया था भाई ऐसे, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो मेंडल अपने कामकाज में वापस लौट गए, मेंडल अपने चर्च के कामकाज में बिजी हो गए, उन्होंने फर्दर रिसर्च फिर की ही नहीं और 6 जनवरी 1884 को उनकी डेथ हो गई। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की हो गई डेथ। कैसे डेथ हुई? किडनी डिसऑर्डर की वजह से, किडनी में बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई, ठीक। ये मेंडल की कहानी यहीं खत्म हो गई। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कब बोल दिया इनको भाई? तीर तो उन्होंने मार दिया, बहुत बड़ा तीर मारा था, लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये उपाधि कब मिली इनको? देखो कहानी तो अब शुरू होगी उनके मरने के बाद, उनके जीते जीते उनको कुछ क्रेडिट मिला नहीं, मरने के बाद अब मिलेगा। कब मर गए थे वो? 1884 में। रिसर्च कब पब्लिश हुई उनकी? 1866, ठीक है। 1866 में 34 साल और जोड़ दो, कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप? 1866 प्लस 30 1900, ठीक है। जिस दिन उनकी रिसर्च पब्लिश हुई उसके ठीक 34 साल बाद, आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि कौन सा ईयर लग गया था आपका? 1900, 19वीं सदी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 1900 में तीन वैज्ञानिक थे, तीनों वैज्ञानिक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग अलग देश में थे, अलग अलग मटेरियल पर अपनी स्टडी कर रहे थे। वे तीन वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक थे आपके ह्यूगो डिब्रीस, ये थे आपके हॉलैंड के रहने वाले, ठीक है, और ये काम कर रहे थे ऑनोथेरा लेमार्कियाना पर, ठीक है। ह्यूगो डिब्रीस का तो सारा एक्सपेरिमेंट 1900 में ही हुआ है और इसी प्लांट के ऊपर हुआ है, म्यूटेशन पर भी इन्होंने काम किया है और इसी प्लांट पर किया है और इसी 1900 में किया है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिब्रीस, हॉलैंड के रहने वाले थे और ऑनियोथेरा पर काम कर रहे थे। दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेन, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। कार्ल कोरेन कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे और ये काम कर रहे थे मटर के ऊपर और मेज के ऊपर, ठीक है। एक तीसरे वैज्ञानिक थे आपका शर्माक, एरिक वॉन शर्माक, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, मेंडल जहाँ के थे वहीं के, ठीक है, और ये काम कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स पर, ठीक है। अब देखो कोइंसिडेंस, देखो तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश में, तीनों वैज्ञानिक अलग अलग प्लांट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। कोइंसिडेंस क्या है कि एक ही साल में काम कर रहे हैं 1900 में। और जब भी कोई रिसर्च स्टडी करते हैं अपन, जैसे आज हम कभी भी कोई रिसर्च बनाते हैं, जैसे कि आज अपन को कोई थीसिस का काम करना हो, कोई रिसर्च करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस कलेक्ट करते हैं। बिना रेफरेंस के तो रिसर्च होगी नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि भाई जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक पर हमसे पहले कितने लोगों ने रिसर्च की है। इन तीनों को ऐसा लगाता है कि हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर कभी रिसर्च हुई नहीं है इससे पहले,
हम ही पहले होंगे जो इस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे और इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर ढूंढ के लाएंगे। इनके दिमाग में वही क्वेश्चन थे जो ग्रेगर जॉन मेंडल के पास थे। सोचो वो ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में ही वो उनका आंसर दे चुका है, किसी को पता ही नहीं है। ये तीनों फिर से स्टडी करने हैं, ठीक है। इन्होंने रेफरेंस कलेक्ट किया। रेफरेंस कलेक्शन में मतलब ये देखना चाहते थे कि भाई ऐसी रिसर्च पहले कभी हुई तो नहीं है। उसी रेफरेंस कलेक्शन के दौरान इन तीनों को मेंडल का जो ओरिजिनल पेपर है वो मिल गया। ही फाइंड आउट द मेंडल पेपर्स। मेंडल का जो रिसर्च पेपर जो जिस नेचुरलिस्टिक सोसाइटी ऑफ ब्रुन की फोर्थ वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, वो लाइब्रेरी में पड़ा कहीं धूल खा रहा था, इन तीनों को वो मिल गया। कोइंसिडेंस देखो, अलग अलग देश में है, अलग अलग प्लांट पर काम कर रहे हैं। 1900 में ही तीनों का ऑब्जेक्टिव भी एक था और तीनों को मेंडल का रिसर्च पेपर मिला 1900 में। वहां पर इन तीनों ने देखा कि भाई जो रिसर्च मेंडल करके गए हैं वो रिसर्च तो ब्रिलियंट रिसर्च थी, और हम लोगों ने इतनी बड़ी रिसर्च लोगों के सामने आई क्यों नहीं। यहीं से मानी जाती है मेंडल की रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। यहीं से मेंडल का पुनर्जन्म हुआ एक तरह से। मेंडल की जो खोज थी उसकी रीडिस्कवरी हुई, उसकी पुनर्खोज हुई। किन तीनों की बदौलत हुई? वो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंश और शर्मा। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई, जब इन तीनों ने मेंडल के रिसर्च पेपर को द्वारा से खोजा और उसके बारे में लोगों को बताया, तब लोगों का इंटरेस्ट मेंडल के रिसर्च में पड़ा। उस वक्त एक वैज्ञानिक थे विलियम बैटसन, ठीक है। इनकी वजह से ही आज मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने ही पूरी मेंडल को एकदम सबके सामने पेश कर दिया। क्या क्या किया इन्होंने, विलियम बैटसन ने? सबसे पहले तो विलियम बैटसन ने मेंडल का जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है जो कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में था, जो लोग भूल भाल गए थे, उसको उस वक्त की एक पॉपुलर पब्लिकेशन थी फ्लोरा, उसमें पब्लिश कराया। मतलब मेंडल का जो पेपर था, ओरिजिनल पेपर था, उसको रीपब्लिश कराया किसमें? फ्लोरा नाम के पब्लिकेशन में 1901 में, ठीक है। इसके अलावा विलियम बैटसन ने, अब देखो मेंडल का जो रिसर्च पेपर था वो किस भाषा में था? जर्मन भाषा में था, और हर कोई जर्मन भाषा नहीं जानता था उस वक्त। सबसे जो डोमिनेटेड लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, आज भी इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो सबको आती है। तो विलियम बैटसन ने ही उस जर्मन भाषा में लिखे हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट किया किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ तो सब लोगों तक पहुंचा, हर कोई उसको पढ़ पाया, ठीक भाई। विलियम बैटसन ने मेंडल के रिसर्च पेपर में जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन सभी एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया, फिर से करके दिखाया, और ये प्रूफ किया कि हाँ मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सही थे। वो किसने प्रूफ किया? विलियम बैटसन ने। और विलियम बैटसन ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। इस किताब में उनके बारे में सब कुछ लिख दिया जो मेंडल ने रिसर्च की थी, उस रिसर्च को पूरा एलेबोरेट करके डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज में इस किताब के अंदर लिख दिया। और ये किताब उस वक्त की इतनी पॉपुलर किताब हुई, इस किताब ने ही पूरे सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना जेनेटिक्स को लेकर वो सब सॉल्व कर दिए इसी किताब ने। मील का पत्थर साबित हुई ये किताब उस वक्त, इतनी पॉपुलर किताब हुई है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ये किसने लिखी थी? विलियम बैटसन ने, मेंडल के पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। और यहीं से मेंडल को उपाधि दे दी फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि भाई जेनेटिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है वो सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी आप लोग तो सस्पेंस में हो कि भाई ऐसी कौन सी खोज कर दी, तो वो सस्पेंस धीरे धीरे खुल जाएगा, अगले वीडियोज़ में हम बात कर लेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो इस किताब के छपने के बाद लोगों को ये बात पता चली कि भाई मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वाकई ब्रिलियंट था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने भी नहीं किया। जेनेटिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल लॉ हैं, वो मेंडल बता के गए थे, और वहीं से उनको उपाधि दे दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की। विलियम बैटसन ने ही 1905 में जेनेटिक शब्द दिया, मतलब इससे पहले जेनेटिक शब्द था ही नहीं। जेनेटिक शब्द किसने दिया? विलियम बैटसन ने 1905 में, ठीक भाई। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए आर ए फिशर, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टैटिस्टिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो आर ए फिशर, इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1936 में
1936 में मेंडल के जितने भी रिसर्च थी उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया इन्होंने, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया मेंडल्स के रिसर्च का। आज अपन करते हैं, आज तो बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कोई रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया मेंडल की रिसर्च का और इन्होंने भी प्रूफ किया कि हाँ मेंडल की रिसर्च एकदम सही थी। ठीक है भाई, तो अपना जो जेनेटिक्स है इसका जन्म कब हुआ भाई? जेनेटिक्स देखो, नाम तो 1905 में दिया, लेकिन मेंडल का एक्चुअल में जन्म, सॉरी इसका जेनेटिक्स का एक्चुअल में जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ 1900 में जब इन तीनों ने उसकी डिस्कवरी की। लेकिन इसकी नींव कब रख दी गई थी? 1866 में जब मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया था, तो 1866 में नींव रख दी गई थी, लेकिन जन्म 1900 में आके हुआ जेनेटिक्स का। तो ये तो बात थी मेंडल की लाइफ हिस्ट्री की कि कैसे उनके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल सहे, कैसे उनकी रिसर्च हुई और क्यों उनकी रिसर्च को किसी ने तवज्जो नहीं दिया, क्यों लोगों ने उसको इग्नोर किया, क्या रीज़न थे, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर में आखिर ऐसा क्या पब्लिश कर दिया था, वे कौन से क्वेश्चंस थे और क्या आंसर थे उनके, वे कौन से प्रिंसिपल थे, कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल थे भाई, वे कौन से लॉ थे, इन सबको अपन बारी बारी से अगले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। ठीक है।